वेलकम टू राजेश किचन। आज हम आपको सूजी का ढोकला घर में बहुत कम समय में और बहुत जल्दी बना के दिखाते हैं। इसके लिए हमने एक कटोरी सूजी ले ली है, दो चम्मच दही ले लिया है और स्वाद अनुसार नमक। अब इन तीनों चीज़ों को हम मिला देते हैं। सूजी डाल दिया इसमें, दही डाल दीजिए और ये स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। इसको अच्छे से मिला दीजिए इसमें और इसमें पानी डालिए। अब इसको जो है आप ढक के एक घंटे तक के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए हमारा सूजी का जो हमने भिगो के रखा था दही के साथ एकदम फूल गया है। अब हम इसमें ये मीठा सोडा, चीनी और ये रिफाइंड थोड़ी सी डाल के मिला लेंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है एकदम। अब ये ढोकला का एक ट्रे लेके इसको हमको ग्रीस करना है बढ़िया से। बैटर हमको इसमें डाल देना है। और स्प्रेड करके हल्का सा बराबर कर लेना है। ये हमने अपना बैटर इसमें रख दिया है। अब इसको ढक देते हैं और 15-20 मिनट के बाद खोल के इसको एक बार चेक कर लेंगे कि हो गया है कि नहीं हो गया। 15 मिनट हो गया है। अब हम खोल के इसको चेक कर लेते हैं एक बार एक चाकू से। ये देखिए एकदम क्लियर चाकू आया है, इसका मतलब कि हमारा ढोकला हो गया है, देख रहे हैं। अब इसके लिए हम तड़का बनाते हैं। तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए एक गिलास पानी, चीनी एक चम्मच, करी पत्ता, राई, लेमन जूस, ऑयल और हरी मिर्च। हमने पैन में घी और करी पत्ता डाल दिया, हरी मिर्च भी डाल देते हैं, राई डाल के हल्का सा सौते करेंगे। अब इसमें पानी डाल देते हैं और अब चीनी डाल देते हैं और लेमन जूस भी इसी में ऐड करेंगे। ये हमने लेमन जूस ऐड कर दिया। अब ये ठंडा हो जाएगा तो हम ढोकला पे इसको डालेंगे। ये देखिए कितना स्पंजी ढोकला हमारा बन के तैयार है। अब हम इसको काट लेते हैं। ये हमने काट लिया है। अब इस पे हम जो तड़का बना के रखे हैं उसको डाल देते हैं। से एक पीस निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए कितना स्पंजी ढोकला हमारा बन के तैयार है। हम आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। इतना लहगर ढोकला बन के हमारा तैयार है। आप ढोकला बना के खाइए और इन्जॉय कीजिए। क्योंकि लॉकडाउन है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।